नमस्कार, दिन भर पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। तुसीं जानदे हो कि इस बुलेटिन दे विच असीं पंजाब दीआं कुछ वड्डियां खबरां शामिल करते हैं, जिन्हां ते थोड़ी बहुत विस्तार किया जाता है, इत्थे थोड़ी बहुत मैं उत्ते चर्चा करदा। सब तो पहला गल करते हैं अज जिमनी चोणां बारे। जिमनी चोणां की अज तारीख बदल दी गई, यानी वोटिंग की तारीख बदल दी गई है। जिहड़ी पहला 13 तारीख नूं वोटिंग होनी सी, हुण 20 नवंबर नूं वोटिंग होएगी। पंजाब समेत 3 सूबिआं 'च होण वालीआं जिमनी चोणां 'च दी तारीख नूं बदल दिता गया। हुण इह वोटिंग 13 की बजाय 20 नवंबर नूं होएगी। वख वख त्यौहारां दे मद्देनज़र पंजाब अते उत्तर प्रदेश के नाल नाल केरल के विधानसभा हल्कियां की जिमनी चोणां लई तारीख बदल दिती गई है। चोण कमीशन ने यह फैसला किया है कि जदों उन्हां कोल कांग्रेस, भाजपा, बसपा, RLD अते होर कौमी अते सूबा पत्री पार्टियां ने बेनती की कि चोणां की तारीख बदली जाए, तो इस दे नाल ही चोण कमीशन वल्लों घट वोटिंग की किसी भी संभावना तो भी इनकार किया गया। देश भर के सारे राज्यां च होण वालियां उप चोणां दे नतीजे 23 अक्तूबर नूं ही आउणगे, यानी जिहड़े नतीजे की डेट है वह नहीं बदली गई। दरअसल झारखंड अते महाराष्ट्र विधानसभा के चोण नतीजे की भी इसे दिन ऐलाने जाने हैं। झारखंड च 13 अते 20 नवंबर नू दो पड़ावां दे विच वोटिंग की जाएगी, जबकि महाराष्ट्र दे विच 20 नवंबर नू इको पड़ा दे विच वोटिंग होएगी। भारतीय चोण कमीशन दीआं हदायतां अनुसार 85 साल तो वध सीनियर नागरिक अते 40% तो वध दिव्यांग वोटरां वास्ते उन्हां दी सहमति दे नाल घर बैठे वोट पाउण दी सहूलत दित्ती जांदी है। राजस्थान दे 7 विधानसभा हल्कियां दीआं उप चोणां लई सोमवार नू 365 बजुर्ग अते 828 दिव्यांग समेत कुल 3,193 वोटरां नूं अपने घरां तो डाक राही वोट पाउणी शुरू कर दित्ती है। पोलिंग दीआं टीमां पहलां तो ही तय प्रोग्राम अनुसार इन्हां वोटरां दे घरां तक पहुँचणियां शुरू हो गईआं ने। सियासी पार्टियां दे नुमाइंदियां अते उम्मीदवारां दी हाज़री 'च वोटिंग दी गुप्तता बनाई रखी जाती है, ये ध्यान रखा जाता है। तुहानूं दस दईए कि ये सहूलत इस करके दी जाती है कि जिहड़े तां आ सकते हैं बूथ तक वो आपे ही आ जाण, जिहड़े नहीं आ सकते उन्हां नूं घर ही ये सहूलत दी जाती है, यानी उन्हां दी मर्जी मुताबक ये सहूलत चोण कमीशन वल्लों दी जाती है कि जे करो चोण तो घर बैठ के ही वोट पा सकते हैं। बाकायदा टीम उन्हां को जाएगी, नुमाइंदे जाणगे पार्टियां दे, उम्मीदवार भी जाणगे जे वो इच्छुक ने नाल जाणदे, या उन्हां नूं किसे तरह का जो शक है तो फिर वो जाके इस प्रक्रिया नूं देख सकते हैं। हुण गल करदे हां अज दी एक होर वड्डी खबर दी। सुप्रीम कोर्ट वल्लों बनाई गई कमेटी दे नाल अज सोमवार नूं SKM गैर राजनीतिक नाल एक बैठक हुई। इहदे विच किसान आगू शामिल होए जिन्हां ने 13 मंगां ते चर्चा की, यानी 13 मंगां ते अज चर्चा हुई है। इस दौरान हरियाणा के बार्डरां ते एंबूलेंस नूं ना रोकिया जाए अते इसका राह खोलिया जाए, इस ते खास करके चर्चा की गई। इस मसले ते खास तौर ते विचार वटांदरा किया गया कि एंबूलेंस नूं किसी भी हालत दे विच ना रोकिया जाए। किसान आगुआं ने कहा कि बार्डर असी नहीं बंद किए, सरकारां ने बंद किए, सानू कोई इतराज़ नहीं जेकर बार्डरां दी आवाजाई खोली जाए, तो असी जंतर मंत्र जाके अपनियां मंगां केंद्र सामने रखना चाहते हैं। ये भी उन्होंने एक बार फिर दोहराता कि असी जंतर मंत्र जाना है, यानी असी दिल्ली जाना ही जाना है, जेकर बॉर्डर खोलिया जाता तो असी दिल्ली जावांगे, साडा अंदोलन चलता रहेगा। ये भी उन्होंने अज क्लीयर कर दिता कि साडा अंदोलन चलता रहेगा अगली रूपरेखा लई। SKM गैर राजनीतिक जिहड़े हैगे आ उन्होंने इंडिया की बैठक बुलाई है, यानी सारे इंडिया तो किसान लीडर इकट्ठे होणगे, एक बैठक बुलाई गई है। हजे इसकी तारीख तो भावें फाइनल नहीं की गई, लेकिन एक बैठक बुलाई गई है, उस तो बाद अगला फैसला जिहड़ा वो किया जाएगा। यह मसला लंबे समय तो अटकया होया, शंभू बॉर्डर से किसान लगातार बैठे हुए हैं, जिस नाल उत्थों दे खास करके नेड़े रहने दे लोगों के लिए काफ़ी परेशानी बनी हुई है, क्योंकि पासा रुकया होया और ट्रालियां खड़ियां होण करके बहुत सारे लोगों को आन जाण च भी तंगी हुंदी है। कई बार इस मामले दे विच आपस च बहसबाजी भी हुई, किसानां नाल भी पुलिस नाल भी बहसबाजी हुई है। लोगों ने कई बार मांग की है कि यह धरना इतों चुकाया जाए, उस तो बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह दखल दिता है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कमेटी बनाई सी और सुप्रीम कोर्ट नाल जिहड़ी कमेटी बनाई गई है वो अज बैठक हुई है। हालांकि बैठक के दौरान किसान
जथेबंदियां भी दो हिस्सों वंडियां नज़र आई हैं। हुण अगली गल करते हैं कनेडा नाल जुड़ी हुई, कनेडा क्योंकि पंजाब दे नाल सीधा लिंक, पंजाबी सब तो ज़्यादा विदेश दे विच जेकर वसे होए ने तां कनेडा च वसे होए ने। अज कनेडा दे ब्रैमटन च मंदिर ते खालिस्तानी वक्खवादियां वल्लों हमला कीते जाण दी एक वीडियो वायरल होई है। ये मामला काफ़ी हिंसक सी। दरअसल खालिस्तानी समर्थकों वल्लों भारतीय हाई कमीशन वल्लों लोगों की मदद लई लाए गए कौंसलर कैंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा सी। हाई कमीशन वल्लों अक्सर मंदिरां गुरद्वारियां अते अजिहियां होर स्थानां उत्ते भारतीय लोगों ते भारतीय कनेडियनां दे भारत नाल संबंध कामकाज के नबेड़े लई अजिहे कैंप लाए जाते हैं। गौरतलब है कि कनेडा विच खास करके निज्जर कतल केस तो बाद सिख जथेबंदियां वल्लों हाई कमीशन दियां सरगर्मियां दा अक्सर विरोध किया जा रहा है। खबर मुताबक जिस समय झड़प हुई उदों मंदिर विच हिंदू सभा मंदिर ब्रैमटन दे सहयोग नाल कौंसलर कैंप लाया जा रहा सी, जिहड़ा भारतीय हाई कमीशन वल्लों लाया गया सीगा अते खालिस्तानी वक्खवादियां वल्लों इस कैंप दा विरोध किया जा रहा सी। जदों ये झड़प हुई है कनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो समेत वक्ख-वक्ख सियासी आगुआं वल्लों इस घटना की निखेधी की गई है। ब्रैमटन च हिंदू सभा मंदिर विच हुई हिंसा के संबंध में गिरफ्तारियों की घाट के बावजूद पील पुलिस ने ऐतवार दोपहर को मंदिर के बाहर दर्जना अधिकारियों के नाल अपनी मौजूदगी बनाई रखी। ट्रूडो ने लिखा कि अज ब्रैमटन विच हिंदू सभा मंदिर विच हिंसा दियां कार्रवाइयां अस्वीकारयोग हन। ये उन्होंने कहा कि ये स्वीकार नहीं कीतियां जा सकदियां। हर कनेडियन नू आज़ादी और सुरक्षित ढंग नाल धार्मिक अभ्यास करन दा अधिकार है। भाईचारे की सुरक्षा लई तेजी नाल कार्रवाई करन अते इस घटना की जाँच करन लई पील रीजनल पुलिस का धन्यवाद भी किया। हुण अगली खबर है पंजाब दे पंजाब सरकार वल्लों जिहड़े खेडां दे उपराले कीते जा रहे हैं। पंजाब सरकार वल्लों नशियां तो दूर रखण लई नौजवानां नूं माड़ी आदतां तो दूर रखण लई खेडां नाल जोड़न दा लगातार उपराला कीता जा रहा है। इस लड़ी दे विच खेडां वतन दियां दी शुरुआत कीती गई है ते हुण इस दे सीज़न 3 दा आगाज़ भी हो गया है। इन्हां खेडां च सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि 60 साल तो वध उम्र के खिडारी भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं, जिन्हां ने पंजाब की मान सरकार का धन्यवाद किया है। इस मौके 65 साल के एक खिडारी ने मान सरकार को अजिहियां खेडां निरंतर जारी रखने की अपील की अते कहा कि अजिहे उपरालिया नाल ही पंजाब नू नशे तो मुक्त किया जा सकता है। ये एक वधिया उपराला जिहड़ा इन्ना उम्र दराज व्यक्ति है जिसने या खिडारी जो अपनी बॉडी नू फिट रखना चाहता है, वह चाहता है कि नौजवान पीढ़ी भी उदे वांग ही लंबी उम्र तक अपने आप नू फिट रखे, और इस करके उन्होंने पंजाब सरकार नू ये अपील की है। हुण गल करदे हां बलवंत सिंह राजोआला की। तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह दे 1995 च हुए कतल मामले च दोषी ठहराए गए बलवंत सिंह राजोआला की पटीशन ते अज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट च सुनवाई टल गई। हुण मामले की सुनवाई 18 नवंबर को की जाएगी। रहम की अपील वाली पटीशन नू पहला 4 नवंबर यानी अज सूचीबद्ध किया गया सी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट च कहा कि राजोआला मुख्यमंत्री दे कतल दा दोषी है अते ये कोई साधारण मामला नहीं है। दूजे पासे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार नू कहा कि इस बारे कोई फैसला लिया जावे नहीं तो अदालत नू फैसला लेना पवेगा। इस पटीशन च उसने अपनी रहम की अपील च फैसला लैण च ज़्यादा देर का हवाला देंदे हुए मौत की सज़ा नू उम्र कैद च तब्दील करन दी अपील की है। पंजाब पुलिस के सबका कांस्टेबल राजोआला की पटीशन जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी के मिश्रा और जस्टिस के वी विश्वनाथन के विशेष बेंच के सामने सूचीबद्ध की गई सी। सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर को राजोआला की पटीशन ते केंद्र ते पंजाब सरकार
ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन तो जवाब मंगया सी। पटीशन च राजवाणा ने अपनी मौत की सज़ा ते असल च अमल ते अपने वालों दायर रहम की अपील ते फैसला लैण च ज़्यादा देरी का हवाला देंदे हुए सरकार नूं उसकी सज़ा घटाउण दे निर्देश देण दी अपील कीती है। चंडीगढ़ च 31 अगस्त 1995 नूं सिविल सकत्तरेत दे मेन गेट ते होए विस्फोट च बेअंत सिंह ते 16 होर लोकां दी मौत हो गई सी। 3 मई 2023 नूं शिखरली अदालत ने उसकी मौत की सज़ा नूं उम्र कैद विच तब्दील करन तो इनकार कर दिता सी अते केंद्र नूं उसकी रहम की अपील ते जिवें अते जदों जरूरी समझा जाए फैसला लैण लई कहा सी। राजवाड़ा की फांसी की सज़ा कटाउण तो इनकार करन तो 16 महीनों तो वध समय बाद सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर नूं इस मुद्दे ते मुड़ विचार करन लई सहमति दित्ती सी। इसने केंद्र अते पंजाब सरकार नूं उसकी मौत की सज़ा कटाउण बारे उसकी ताज़ा पटीशन ते इस आधार ते जवाब देन लई कहा सी कि केंद्र उसकी 25 मार्च 2012 की रहम की अपील ते अज तक कोई फैसला लैण विच असफल रहा है। ये मसला लंबे समय तो अड़िया होया। SGPC भी इस ते लगातार अपील कर चुकी है। इस बार भी जिहड़ी इस केस की पैरवी है वो SGPC ही करवा रही है और चाहते ने कि जिहड़े सज़ा पूरी कर चुके ने सिख बंदी उन्हां नूं रिहाई मिलनी चाहिए है। हुण गल करते हैं श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब की। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब संबंधी पाकिस्तान स्थित गुरुधामों के दर्शनों लिए 14 नवंबर को अटारी सड़क मार्ग राही 3000 तो वध श्रद्धालुओं का जत्था रवाना होगा। जत्थे के वाघा बार्डर पुजते ही 100 तो वध सुरक्षा मुलाजम उन्होंने सुरक्षा घेरे च लै लेंगे। पिछली बार ये घेरा 70 सुरक्षा मुलाजमान का सी। पाकिस्तान स्थित वाघा सरहद ते भारी सुरक्षा प्रबंधां च संगत नूं 20 बसां च सड़क मार्ग राही गुरद्वारा श्री ननकाणा साहब लिजाया जाएगा। श्री ननकाणा साहब सिख यात्री जत्थे दे उप प्रधान रॉबिन गिल ने पाकिस्तान सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान ते पंजाब सूबे दे घट गिणती वर्ग दे मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा दे हवाले नाल दस्या कि जत्थे की सुरक्षा वधाउण लई ए फैसला लिया गया। रमेश सिंह अरोड़ा की अगवाई च हुई उच्च पदरी बैठक च ए फैसला लिया गया सी। इस तो इलावा बैठक च श्री गुरु अर्जन देव जी दे प्रकाश पुरब मौके संगत दीयां सहूलतां दे विशेष प्रबंध नूं ध्यान च रखदे हुए सेवादारां ते ग्रंथियां की गिणती च वाधा दा करन दा भी फैसला लिया गया है। इस तहत धार्मिक प्रोग्रामां नूं कामयाबी नाल करवाउण च योगदान देण लई करीब 15 होर ग्रंथियां की नियुक्ति भी की गई है। इस दे नाल ही इन्ने ही सेवादारां की नियुक्ति भी वख-वख गुरद्वारियां च की जाएगी। 14 नवंबर नूं जत्था पाकिस्तान स्थित वाघा बार्डर ते पुज्जण तो बाद भी विशेष बसां राही गुरद्वारा श्री ननकाणा साहब लई रवाना होगा। 15 नवंबर को ननकाणा साहिब च श्री अखंड पाठ के बाद मुख धार्मिक समागम किया जाएगा। दिन भर पंजाब दे विच अज इना ही, कल फिर हाजिर होवांगे। तुसी देखते रहो दैनिक सवेरा टीवी।